नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी से बचने का केवल एकमात्र उपाय है इससे बचाव, और इसीलिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है और बार बार सभी लोगों से घर पर ही रहने की अपील की जा रही है। मगर फिर भी कुछ लोगों ने शपथ खा रखी है कि वो ना तो कोरोना वायरस के संक्रमण से डरेंगे और घर पर रहेंगे, और ना ही सरकार की अपील का इन पर कोई असर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग बेवजह घर से बाहर निकलकर पुलिस और प्रशासन की समस्याएं बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। गोंदिया जिले के तहत आने वाले अर्जुनी मोरगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई कर इनके विरुद्ध धारा 188 के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अर्जुनी मोरगांव पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके में कई लोग लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़े गए हैं। यह लोग बेवजह घरों से बाहर निकलकर रास्तों पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, बेवजह ही मोटरसाइकिल गाड़ियों से घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अर्जुनी मोरगांव पुलिस प्रशासन ने कल कई लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली और इन सभी के विरुद्ध धारा 188 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें कमलेश नीताराम रहले उम्र 28, नीलेश यशवंत तरोने उम्र 28, दीपक मनोहर भेंडारकर उम्र 24, फुलचंद केवलराम तरोने उम्र 35, विवेक दादाजी तरोने उम्र 24, किशोर जगतराम रहले उम्र 35, यह सभी लोग अरत तोंडी दाबना के रहने वाले हैं। इन सभी पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप है। साथ ही दुर्गा चौक निवासी लिल्लेश्वर पुस्तोड़े उम्र 35, मंगेश मारुति हरने उम्र 32, प्रणय दामोदर जांभुड़कर, इन सभी पर पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। लोगों की लापरवाही को देखते हुए अर्जुनी मोरगांव पुलिस स्टेशन के निरीक्षक महादेव तोंडले ने जनता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की और बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे। या अनुषंगाने माननीय पोलीस अधीक्षक शिंदे गोंदिया आणि अपर पोलीस अधीक्षक देवरी माननीय कुलकर्णी सो आणि SDPO देवरी श्री ढोले सो यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही व आमच्या अधीनस्थ असणारे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी अर्जुनी मोर पोलीस स्टेशन अंतर्गत माननीय जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी संचारबंदीचे आदेश जाहीर केलेले असून त्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या वाहन चालकाविरुद्ध सक्तीने निपटारा करण्याचे आदेश प्राप्त झालेले असून त्या अंतर्गत आज रोजी 3 वाहने डिटेन करण्यात आलेली आहेत आणि त्यांच्यावर विरुद्ध भादवी कलम 188 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे काल दिनांक 4/4/2020 रोजी अरबतोंडी येथे 6 आरोपींच्या विरोधात महाराष्ट्र जुगार कायदा 12 व भादवी कलम 188 सह कलम 34 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करीत आहोत। याचप्रमाणे जनतेस आव्हान आहे की आपण विनाकारण या साथीच्या रोगामध्ये आपली वाहने रस्त्यावर आणू नयेत व प्रशासनास आपण घरामध्ये राहून सहकार्य करावं आणि याच्यापुढेही आपण
जर का वाहने विनाकारण व गर्दी करत असाल तर अपना विरुद्ध सक्ती ने आम्ही कारवाई करणार आहोत। आजपासून ही कारवाई याच्या तिप्पट पठीने चालू करणार आहोत। तरी सर्व नागरिकांना कळकळची विनंती आहे की आपली वाहने विनाकारण रस्त्यावर आणू नयेत, गर्दी करू नयेत, अन्यथा आपण अपना विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।